आजकल हमारी कंट्री में बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं। एक तरफ तो हम लोग फेयरनेस क्रीम्स लगा लगा के गोरे होते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा सदियों से चला आ रहा सफेद चावल अब भूरे चावल से ब्राउन राइस से रिप्लेस होता चला जा रहा है। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ब्राउन राइस वर्सेस व्हाइट राइस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर मेधा कपूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिस पे मैं आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आती हूं जो कि आपको आपका हेल्दियर सेल्फ बनने में मदद कर। तो इसकी डिटेल्स में जाने से पहले समझते हैं कि ब्राउन राइस और व्हाइट राइस आखिर हैं क्या और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए, राइस चाहे ब्राउन हो चाहे व्हाइट हो, जो चावल का दाना है वो सेम है, फर्क है प्रोसेसिंग का। जो चावल का दाना है उसके तीन हिस्से होते हैं। सबसे बाहरी हिस्सा द आउट मोस्ट लेयर विच इज द ब्रैन। ब्रैन फाइबर में बहुत ज्यादा रिच है और आयरन जैसे मिनरल्स भी इसमें अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। उससे अंदर की लेयर एंडोस्पर्म, ये लेयर कार्बोहाइड्रेट्स में काफी रिच होती है। और सबसे अंदर की लेयर होती है जर्म, जर्म प्रोटीन्स में रिच होता है। ब्राउन राइस में ये तीनों लेयर्स, बाहर का ब्रान, फिर एंडोस्पर्म और सबसे अंदर का जर्म, तीनों के तीनों पाए जाते हैं। व्हाइट राइस राइस की एक ज्यादा प्रोसेस्ड फॉर्म है जिसमें अंदर का जर्म और सबसे बाहर का ब्रान नहीं पाया जाता। तो दोस्तों, आप स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस समझ चुके होंगे कि जो ब्राउन राइस है वो फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन में व्हाइट राइस से ज्यादा रिच है। तो क्या हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं सीधा सीधा कि जो ब्राउन राइस है वो हमें खाना चाहिए और व्हाइट राइस नहीं खाना चाहिए? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। तो ऑल्दो ब्राउन राइस विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर में ज्यादा रिच है, दोस्तों ब्राउन राइस की डाउनसाइड्स भी है। ब्राउन राइस में फाइटिक एसिड नाम का एक एंटी न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है एज कंपेयर्ड विद व्हाइट राइस, जो कि न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, इन सब के एब्जॉर्प्शन को ब्लड स्ट्रीम में रोकता है, इम्पीड करता है। और दूसरी चीज, आर्सेनिक नाम के मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन ब्राउन राइस में ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू व्हाइट राइस। यदि आपने कभी चावल का खेत देखा हो, पैडी फील्ड देखा हो, तो नोटिस किया होगा कि चावल पानी में बिल्कुल डूबा हुआ, सबमर्ज्ड उगता है। तो ये आर्सेनिक, जो कि एक इम्प्योरिटी की तरह पाया जाता है पानी में और सॉइल के अंदर, राइस के फाइबर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से ज्यादा रिटेन किया जाता है ब्राउन राइस के द्वारा एज कंपेयर टू व्हाइट राइस। तो ये आर्सेनिक कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकता है। यदि आप एक प्रेग्नेंट वुमन हैं या आप एक बहुत छोटे बच्चे को खाना खिला रही हैं, तो दोनों परिस्थितियों में ब्राउन राइस अवॉइड कीजिए और व्हाइट राइस खिलाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आर्सेनिक का इंटेक है वो कम से कम हो। तो अब हमने ब्राउन राइस की अच्छी बातें भी जान ली और बुरी बातें भी जान ली। तो वर्डिक्ट क्या है, दोनों में से कौन सा बेहतर है? देखिए, एज लॉन्ग एज आप एक बैलेंस्ड डाइट खा रहे हैं जिसमें फल भी है, सब्जियां भी हैं, दालें भी हैं और अनाज भी है, तो आपको अपने फाइबर इंटेक के लिए एटलीस्ट ब्राउन राइस पे आश्रित होने की कोई जरूरत नहीं है। फाइबर का इंटेक सही मात्रा में रखना वेस्टर्न पॉपुलेशन के लिए एक ज्यादा बड़ी कंसर्न होती है एज कम्पेयर टू इंडियन पॉपुलेशन, क्योंकि हमारी डाइट इनहेरेंटली, यदि हम बैलेंस्ड ट्रेडिशनल तरीके से खा रहे हैं, तो वो फाइबर में भरपूर है, एडिक्वेट है, फाइबर में रिच है। तो आप ब्राउन राइस खाएं चाहे व्हाइट राइस खाएं, फर्क नहीं पड़ता, जो ज्यादा पसंद है वो खाएं, एज लॉन्ग एज आप चावल को हर मील में नहीं खाते, बार बार नहीं खाते, रोज रोज नहीं खाते। अगर ये आपकी मील का सिर्फ एक हिस्सा है तो आपको इस बारे में बॉदर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कौन सा राइस बेटर है, कौन सा खाएं। पर हाँ, एक परिस्थिति है जिसमें कि ब्राउन राइस खाना डेफिनेटली बेटर है व्हाइट राइस खाने से, वो है डायबिटीज। यदि आप डायबिटीज से सफर करते हैं तो उस स्थिति में आप कृपया ब्राउन राइस खाएं, बिकॉज वो फाइबर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्पाइक नहीं करेगा उस हद तक जो कि व्हाइट राइस कर सकता है। तो टेक होम मैसेज, चाहे राइस ब्राउन हो चाहे व्हाइट, उनके अपने अपने फायदे हैं। एज लॉन्ग एज आप एक बैलेंस डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, इस बारे में ऑब्सेस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कौन सी तरह का चावल अच्छा है।
तो आप एक बैलेंस डाइट खाइए, एक्सरसाइज कीजिए और हाँ खूब खुश रहिए और फिर आपकी हेल्थ अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। और वेट से ऑब्सेशन छोड़िए, आपको पता है यदि आप अपने ऑप्टिमम हेल्थ की तरफ जाना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने ऑप्टिमम वेट की तरफ खुद ब खुद चले जाएंगे। तो इस नोट पर मैं जा रही हूँ, नहीं इस नोट पे मैं नहीं जा रही, एक काम आपका बाकी है। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझे Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। मेरा Facebook पेज का लिंक मैंने आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लिया है, तो आप प्लीज ना भूलें मेरे Facebook पेज को भी लाइक करने का। और यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उन्हें पोस्ट कीजिए और मैं जरूर आपके साथ एक नए फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।